एक एक लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद या भरोसा है कि जिस तरीके से आप लोग आज समर्थन में आए हैं उसी तरीके से आपको अपने बूथ की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं प्रचार में जहां होशियार हैं झूठे प्रचार में अपना प्रचार दिखाते हैं। जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखाया, जब फैक्ट्री दिखानी थी तो अमेरिका का फैक्ट्री दिखाई, जब ब्रिज दिखाना था तो बंगाल का ब्रिज दिखाया, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चुनाव करीब आ गया है, नया साल शुरू हो गया है, इसी 22 में नई सरकार बननी है। इसलिए आज से हम सबसे अपील करते हैं कि जहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, घर जाकर के गांव जाकर के 5 तारीख के बाद अपना वोट दे करके ये फैसला लेना है कि बूथ पर जीत कैसे हो। आप लोग हमारी मदद करना और अपना अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, यही निवेदन मैं करने आया हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आने वाले समय में जो समाजवादी सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार होगी, वो हमारी माताओं बहनों की सरकार होगी, वो हमारे नौजवानों की सरकार होगी, वो व्यापारियों की सरकार होगी, तमाम रोजगार नौजवान जो अपमानित हो रहे उनकी सरकार होगी, और सरकार ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जा करके तरक्की कर करके आपके जीवन में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक जनसभा के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुझे उम्मीद है कि नौजवानों आप लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद।